खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, सीपीओ समेत अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल ही देखने को मिला है। दरअसल हर तेल तिलहन में ऐसे कुछ कारक हैं जिससे खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि खाद्य तेलों के पोर्टल पर व्यापारियों और मिलरों द्वारा उनके स्टॉक की जानकारी लेना, सरसों वायदा को बंद करना, आयात शुल्क में कटौती करना आदि सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर उठाए गए कदम हैं। सरकार ने हाल ही में पाम तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य किया है, जो कि मार्च 2022 तक लागू रहेगी। सरकार के खाद्य तेलों पर लिए गए फैसलों से तिलहन बाजार पर कुछ दबाव आया है, लेकिन कीमतें ज्यादा कम नहीं हुई हैं। तेलों में सिर्फ मुश्किल से 5 से 10 रुपए तक की कमी देखने को मिली है, वो भी व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को नहीं। उपभोक्ता अभी भी महंगा तेल खरीदने को मजबूर है। ऊपर से त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग खाद्य तेलों की कीमतों को कम नहीं होने दे रही है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर 2021 को भारत में सरसों तेल का औसत खुदरा भाव 185.55 रुपए प्रति किलो था, जो कि एक महीने पहले 180.74 रुपए था। यानी कि एक महीने में सरसों तेल की औसत खुदरा कीमतों में 2.66% का उछाल आया है। वहीं एक साल पहले सरसों तेल का भाव समान अवधि में 128.94 रुपए था। यानी कि एक साल पहले की समान अवधि में अब सरसों तेल की औसत खुदरा कीमत 43.90% बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।